तालिबान के डर से अफगानिस्तान के सभी नेता देश छोड़कर भाग चुके हैं, लेकिन अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति रहे अमरुल्लाह साले देश में रहकर ही तालिबान के आतंकियों से लोहा ले रहे हैं। इसी बीच साले ने तालिबान के खिलाफ दहाड़ लगाई है। साले ने कहा कि अफगानिस्तान तालिबान के शासन के लिए भी बहुत बड़ा है और जैसा तालिबान चाहता है ऐसा नहीं होने जा रहा है। अमरुल्लाह साले ने पंजशीर घाटी में अपना ठिकाना बनाया हुआ है और तालिबानी तानाशाही को खारिज करने में लगे हुए हैं। वहीं तालिबान दावा कर रहा है कि उसने पंजशीर के कुछ हिस्से को अपने कब्जे में लिया हुआ है। इस पर सालेह ने बताया कि ये दावा बिल्कुल गलत है। पंजशीर पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। पंजशीर के लोगों का जोश पूरी तरह से हाई है। पंजशीर के लोग तालिबान के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। हम हर तरह की बातचीत के लिए तैयार हैं। हम अपने इलाके में शांति चाहते हैं, लेकिन अगर तालिबान लड़ाई चाहता है तो हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं। वहीं एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान अमरुल्लाह साले ने बताया कि हम तालिबान के शासन को खारिज करते हैं, हम उसकी तानाशाही को खारिज करते हैं, हम ताकत के बल पर सत्ता हासिल करने को नकारते हैं। उन्होंने आगे कहा कि तालिबान के साथ बातचीत जारी है और आतंकी गुट के खिलाफ विरोध बहुत मजबूत है। हम पद या निजी फायदा नहीं चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अफगान जनता अपने राज्य के चरित्र को निर्धारित करे। हम नहीं चाहते कि अफगानों की व्यक्तिगत पहचान को दबाया जाए। अमरुल्लाह साले ने आगे बताया कि हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को खुलकर जीने का मौका मिले। हम अफगानिस्तान को तालिबानिस्तान नहीं बनने देना चाहते। बता दें कि तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी मुल्क छोड़कर भाग गए थे। इसके बाद 17 अगस्त को सालेह ने खुद को युद्धग्रस्त मुल्क का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया था। सालेह ने ट्विटर के जरिए ऐलान किया था कि वो अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। ऐसा उन्होंने संविधान के दायरे में रहते हुए किया है, जिसमें कहा गया है कि वर्तमान राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में उपराष्ट्रपति देश की सत्ता को संभाल सकता है। इसके बाद से ही अमरुल्लाह साले तालिबान को निशाने पर लिए हुए हैं। वहीं फिलहाल अमरुल्लाह साले पंजशीर घाटी में रह रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी ही वो आखिरी इलाका है जिस पर तालिबान का कब्जा नहीं हुआ है। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।